सो हे गाइस, व्हाट्स अप, माय नेम इज अनमोल। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम आखिरकार पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ से। कल रात को निकले थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी अच्छा रास्ता था। अब हम जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। और अभी 7:48 हुए, अभी जस्ट खाना खाने के लिए आए हैं। और ये हैं यहाँ के साइड के नज़ारे, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मज़ेदार हैं। तो गाइस, अभी हमने ले लिया रेंट पर बाइक, ठीक है, जो कि एक है हिमालयन और दूसरी है बुलेट। तो वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस, अभी प्लान ऐसा है कि हम अपना जो लगेज है वो हम साथ में लेके जाएंगे, और मैकलोडगंज में हम अपना होटल लेंगे, वहाँ पे जाके चेक इन करेंगे, फिर ही अपना सामान रखेंगे। तो गाइस, अब हम अराउंड 20 मिनट्स बाद हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। होटल का नाम है बुद्धा हाउस, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप लोगों को आसपास बुद्धिस्ट देखने को मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट टेंपल मिल जाएंगे, आसपास खाने की चीज़ें बहुत सारे, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, बार, होटल, स्नूकर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। चले, चलो चले। तो गाइस, हम मैकलोडगंज के फर्स्ट स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने ये अभी तक गूगल पे ही देखा था, और मेरे बड़े दिनों से मतलब इतना मन हो रखा था कि मैं इस जगह पे जाऊंगा, और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। उसको आंखों देखा देख रहा हूं, उनको काफ़ी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक तरीके का। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। छोटा सा बेंच, और वो इतना प्यारा लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और पूरा एक बार आपको पूरा 360 घुमा के दिखाता हूँ कि कितना सही आ रहा है। मैं इसकी बात कर रहा था कि कितना प्यारा लग रहा है वो चीज़। और अभी देखो, पूरा का पूरा हरियाली ही हरियाली से भरा हुआ। तो गाइज, अब हम चर्च घूम लिए हैं, और अब हम जाएंगे चर्च के बाद भागसुनाग एक वाटरफॉल है, वहाँ पे जाएंगे, फिर आपको वहाँ से क्लिप्स दिखाते हैं। तो गाइज, ये जो आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं वो भागसुनाग टेंपल का है, ठीक है। यहाँ पे तुम आके नहा सकते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये चीज़ बंद है, यहाँ पे अब नहाना अलाउड नहीं है। कोई चक्कर नहीं, अब हम आगे जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं। कई सारी चीज़ें कोरोना वायरस के कारण ना हमारे को सहनी पड़ रही हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं, मज़े तो पूरे आ रहे हैं। Thank you.
ये है भागसूनाग का ट्रैक। और अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से वर्जन दिखाऊं तो बहुत बड़ा है। लेट मी शो यू, ये ट्रैक कुछ ऐसा है। वहाँ से आना है, वहाँ से और अभी और ऊपर चढ़ना है। लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं। और ये कुछ पथरीला रास्ता ऐसा है जो कि इस तरीके का भी दिखता है। यहाँ से भी रास्ता है एंड वहाँ से भी रास्ता, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। यहाँ से कुछ इस तरीके का वॉटरफॉल के पास में एक कैफे है जिसका नाम है शिवा कैफे। हमने सुना उस चीज के बारे में कि कैफे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसका भी कुछ रास्ता ऐसे पथरीला है जाना पड़ेगा। तो चलते हैं जरा सीढ़ियाँ वगैरह, फिर आप लोगों को जाके दिखाते हैं शिवा कैफे। और साथ में मैगी। तो गाइस अभी आप लोगों ने टाइम लैप्स एंजॉय किया होगा हमारा। ये एक छोटा सा किनारा था जहाँ पर हम पानी में पैर डबो के बैठे हुए थे, ये भी कुछ अलग ही मज़ा है। अब हम जाएंगे शिवा कैफे जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे मैकलोडगंज में।